हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन एहतेशाम में। तो गाइस, आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। उसका उसका नाम है सोल्डर, यानी कि सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग जो है गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। सोल्डरिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि बिना सोल्डरिंग के वायर के ज्वाइंट असंभव हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो देखने में आ रहा है, जैसे ओवरहेड लाइन में हम ज्वाइंट लगाते हैं, तो उसमें बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि इसमें उसके ज्वाइंट पर सोल्डर किया जाता हो। लेकिन आजकल बिना ज्वाइंट के ही, बिना सोल्डर के ही ज्वाइंट लगाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि जब हवाएं चलती हैं तो वायर हिलते हैं, और वायर हिलने से उनके अंदर वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो ज्वाइंट धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, उसके ज्वाइंट ढीले हो जाते हैं। और जब ज्वाइंट ढीले हो जाते हैं, तो जब सप्लाई उसके अंदर से गुजरती है तो वो स्पार्क पैदा करती है, और जब स्पार्क पैदा होता है तो वहां से वायर का टूटने का खतरा बना रहता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट को सोल्डर कर देते हैं। तो सोल्डर करने के बाद ज्वाइंट एकदम पक्का हो जाता है, और पक्का होने के साथ साथ वो कभी लूज नहीं होता, ढीला नहीं होता वो। अब बात आती है कि हम सोल्डर करते क्यों हैं, क्योंकि बिना सोल्डर के भी जो ज्वाइंट लगाए जाते हैं, सोल्डर क्यों करते हैं। तो सोल्डर हम क्यों करते हैं, सोल्डर इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ज्वाइंट है वो 95% मजबूत और 100% विद्युत को प्रवाह करने वाला बन जाए। क्यों करते हैं, 95% मजबूत बनाने के लिए, और 100% 100% उस ज्वाइंट को विद्युत का प्रवाह बनाने के लिए, विद्युत का सुचालक बनाने के लिए, कि विद्युत को बहने के लिए आसान मार्ग मिल जाए, उसमें कोई स्पार्क ना हो। तो इसी चीज के लिए हम सोल्डर करते हैं। जैसे कि 95% मजबूत और 100% विद्युत प्रवाह करने योग्य, 95% मजबूत बनाने के लिए ज्वाइंट को, और 100% विद्युत का प्रवाह करने के लिए हम हर ज्वाइंट को सोल्डर करते हैं। ओके गाइस, अब बात आती है कि सोल्डर वायर, सोल्डर बनता कैसे है, किस प्रकार सोल्डर बनता है। तो सोल्डर वायर बनाने के लिए हमें एक मिश्र धातु का प्रयोग करना पड़ता है। मिश्र धातु मतलब ऐसी धातु जो दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाकर बनाई गई हो। अब सोल्डर वायर की बात की जाए, तो सोल्डर वायर दो मिश्र धातुओं को मिलाकर बन दो धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। नंबर एक टीन, टीन की मात्रा होती है इसके अंदर 50%, और नंबर दो होता है लैड, लैड की मात्रा भी इसके अंदर होती है 50%। इन 50-50% को लेकर हम सोल्डर वायर बनाते हैं, और इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल के अंदर जो सोल्डर प्रयोग किया जाता है वो यही सोल्डर प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम नरम सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर। इसकी पहचान क्या है कि 50% टीन होगा, 50% लेड होगा, ये इसकी पहचान है नरम सोल्डर की। तो इस प्रकार का सोल्डर इलेक्ट्रिकल के कार्यों में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, वायर के ज्वाइंट को मजबूत बनाने के लिए, 95% ज्वाइंट को मजबूत बनाने के लिए, और 100% विद्युत का प्रवाह करने के लिए हम सोल्डर का प्रयोग करते हैं। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्या सवाल किया जाता है कि सोल्डर वायर क्यों प्रयोग किया जाता है, और किस किस धातु का सोल्डर वायर बनाया जाता है, और किस धातु की मात्रा कितनी होती है उसके अंदर, ये परीक्षाओं के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि आजकल जो परीक्षा
परीक्षाएं हो रही है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न उसके अंदर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन दे दिया, उसके चार आंसर दे दिया, उसमें से सही आंसर छाट के लिखना होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ओके गाइस, धन्यवाद।